शिफ्ट ग्रेट आइको में आप सबका स्वागत करता हूँ। 11 फरवरी सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी ओवर हुआ है, आइए जानते हैं स्टूडेंट्सों से कैसा रहा एग्ज़ाम का लेवल। अच्छा, आपका जोन कौन सा है? ये गोरखपुर। अटैम्प्ट कितने की? 86। मुंबई 80। चंडीगढ़ 85। दिल्ली अटैम्प्टिंग कॉस्ट 82। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक अंक कौन सा नहीं होता? यूएन के अंदर एक अंग कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? मतलब चार दे रखे थे, एक नहीं था। जैसे जनरल असेंबली होती है। अच्छा अच्छा, जनरल असेंबली। हाँ जी। अच्छा, और डीआरडीओ इसरो से कोई क्वेश्चन? डीआरडीओ से एटॉमिक रिसर्च बाबा सेंटर से था, डीआरडीओ से था। अच्छा, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से कोई क्वेश्चन था? क्वेश्चन था जी। अच्छा, कोई पूरा नहीं पता उसके बारे में? बाहर कौन सा नहीं बना था? जो अप्सरा, एक तो अप्सरा है, एक दामिनी, इस तरह से चार ऑप्शन थे। मतलब चार पांच एटॉमिक सेंटर दे रखे थे, वो नेगलेक्ट करना था आपको। अच्छा, कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट? इंदिरा गांधी वाला है वो। हिस्ट्री से कोई कांग्रेस अधिवेशन? हिस्ट्री से अधिवेशन जैसे तो आया था कि वो कैबिनेट मिशन भारत कैबिनेट मिशन कब आया भारत। एक किसान सम्मान योजना आई थी एक। और एक क्रांति से भी था जी, 1857 क्रांति से एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन, रत्नावली पुस्तक किसने लिखी? लॉर्ड वायसराय वार से कोई क्वेश्चन? नहीं, इनका कोई क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, इकोनॉमिक से, बैंक, जीडीपी, बजट से, आरबीआई का आया था, मौद्रीकरण से संबंधित था, मौद्रीकरण से। अच्छा, फाइव ईयर प्लान में कोई क्वेश्चन नहीं था? पंचवर्षीय योजना नहीं थी जी, कोई पंचवर्षीय नहीं। कोई पंच, अच्छा, कोई इंपॉर्टेंट डेज आए थे? डेज नहीं, एक थीम पूछी थी, वो आया था एनवायरमेंट 2019 का, जो मानव अधिकार जो है ना, क्या थीम थी उसकी? 2019 में जो मानव अधिकार आयोग था उसकी थीम क्या थी? अच्छा, कोई बुक्स आई थी? बुक्स जैसे हरचरित की आई हुई थी, रत्नावली, और एक मोहन राय की बुक आई हुई थी। मतलब बुक के दो तीन क्वेश्चन आए हुए थे, यूएन से रिलेटेड चार क्वेश्चन थे। कौन कौन से एक बार बताएंगे? बुक्स के तो थे बेबी तीन से चार थे, हरिश्चर थे और रोई के थे। यूएन से थे यार, क्या था वो याद नहीं आ रहा। कोई किसान समृद्धि योजना करके आई थी, जो किसान समृद्धि योजना कौन से ईयर में लॉन्च की गई है किसान समृद्धि योजना? अच्छा, कोई टेंपल आया था? टेंपल ज्योग्राफी से उड़ीसा वाला ब्लैक पगोड़ा, कोणार्क का सूर्य मंदिर आया हुआ। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे है इसके बारे में? कोणार्क टेंपल कहाँ पे स्थित है? अच्छा, स्टेडियम डांस, स्टेडियम से रिलेटेड नहीं आया था ना, डांस से आया था। कारला गुफा कहाँ पे है, किस स्टेट में? महाराष्ट्र में। अच्छा, पेंटिंग कोई फेस्टिवल? फेस्टिवल नहीं आया था, पेंटिंग नहीं आया था, मैथ से आए थे काफी सारे क्वेश्चन। कोई जनजाति आई थी? जनजाति राज्य से? कंप्यूटर में कोई फुल फॉर्म वगैरह आई हो? कंप्यूटर में फुल फॉर्म नहीं आया था, एक लैंग्वेज पूछा था जो कोबोल किस से रिलेटेड है। अच्छा, कोबोल के दो तीन क्वेश्चन आ चुके हैं पिछले लास्ट शिफ्ट में, कोबोल के काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। कोबोल आया था कंप्यूटर के लिए, एक डिबगिंग का था और एक कोबोल का। डिबगिंग और एक कोबोल के दो क्वेश्चन आए थे कंप्यूटर के, कोई फुल फॉर्म आई नहीं आई? फुल फॉर्म क्या बोलते हैं, गीगाबाइट होगा, मेगाबाइट, मैक्सिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी किस में है? टेराबाइट में है, पेटाबाइट में है? मैक्सिमम कैपेसिटी स्टोरेज कितनी है कंप्यूटर की? अच्छा, पॉलिटी से कोई क्वेश्चन, आर्टिकल या अमेंडमेंट से क्वेश्चन? याद है क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन था? किस टाइप का क्वेश्चन था? कौन सी ईयर में हुई है, किस फाइनेंशियल ईयर में लॉन्च करी गई है? योजना से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं मोदी जी की, सम्मान योजना कब लॉन्च हुआ? और सर दूसरा ये आया था, फाइनेंशियल बिल कौन से आर्टिकल के थ्रू इंट्रोड्यूस किया जाता है? अच्छा, फाइनेंशियल बिल की, और कृषि सम्मान कब लॉन्च हुई थी? एक सर गोबर धन वाला। अच्छा, ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी का क्वेश्चन, नदी, पर्वत, पठार, मैदान, मानसून से कोई क्वेश्चन? या करंट अफेयर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? ये पूछा था 2020 का जो यूएस ओपन जीता था, उस उपविजेता कौन था उसका? 2020 में यूएस ओपन का उपविजेता कौन है सर? पांच बार पूछा था, डोमिनिक बेस ने यूएस ओपन का जो टाइटल जीता था किसको हरा के जीता था? नडाल, फ्रेडरर, या ये ऑप्शन थे। और बाकी पांच बार डेप्यूटी सीएम कौन बना है? किस स्टेट में मुख्यमंत्री, किस देश में पांच बार उप मुख्यमंत्री बने?
किस स्टेट में, किस स्टेट का मतलब पांच बार बन चुका है एक ही साल। अच्छा अच्छा, और नियुक्ति कोई अपॉइंटमेंट वगैरह आया था? अपॉइंटमेंट का नहीं आया था, पद्म विभूषण से पूछा था कि इनमें से कौन सा पद्म विभूषण नहीं मिला। किस ईयर का? 2019 का। 2019 में पद्म विभूषण किसको नहीं मिला? नेगलेक्ट करना था मतलब एक क्वेश्चन। रेगुलेटरी अथॉरिटी सेबी या आरबीआई या फिर एसबीआई या फिर मनी को रेगुलेट, मनी को कौन रेगुलेट करता है? बीमारी से, विटामिन से, प्रोटीन को कौन किसमें बदला जाता है, कौन सा जूस होता है वो, एक वो आता है अनिच्छा क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? अच्छा, अनिच्छा को कौन नियंत्रित करता है? फिजिक्स है कोई ऐसा यूनिट हो? मैथ्स में, मैथ्स में फॉर्मूला रिलेटेड थे जो क्वेश्चन आए, कॉस थीटा साइन थीटा थे, तीन चार क्वेश्चन थे। मीन मोड मीडियन से कोई क्वेश्चन था? मीन मीडियन का था, मीन मीडियन का था, ट्रिग्नोमेट्री के थे, और सर जो डीआई वगैरह थे वो बहुत इजी थे। अच्छा, मीन मोड में किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा था बताएंगे? सिंपल मीन निकालने के लिए। हाँ सर, 111354 इसका 10 डिजिट का मीन निकालने को बोला था। 10 डिजिट का मीन निकालना है। डीआई से आ रहे हैं? डीआई से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? चार, कंटिन्यू चार, चार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो भी थी सर, पॉलीगन फ्रीक्वेंसी भी थी, पाई चार्ट भी थी, और इसकी भी थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी आ रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के कुछ याद है? एक आया था इक्वेशन देखे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा था। हैं, स्पीड टाइम का भी आ रहा है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। अच्छा, एसआईसीआई का कोई क्वेश्चन आया था? हां, तीन चार क्वेश्चन आए। किस टाइप के क्वेश्चन आए? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, बस फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ निकल जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस किया है, दो तीन क्वेश्चन थे प्रॉफिट एंड लॉस के, थोड़े के लेंथी थे। हां, इजी का क्वेश्चन था जो 10th क्लास में सीरीज है। एक्स ने अगर एक चीज बाय करी उसके ₹300 स्पेंड कर रहे हैं तो टोटल अमाउंट पे हमारा जो अमाउंट इसको सोल्ड करा तो उसने ये बना हुआ है, तो उस पे कितना परसेंट इंटरेस्ट लॉस? पर एलसीएम एचसीएफ से कोई क्वेश्चन आया था? हाँ, इसकी वैल्यू पावर में पूछ के पूछा गया था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू 1। की वैल्यू दे रखी थी बी बाय ए करके, और 10th की बी बाय ए करके दे रखी थी, कॉस और साइन को अपोजिट में करके दे रखा था। और हाइट एंड डिस्टेंस के एडवांस मैथ में पॉलीगन से था, क्यूबॉइड से था, ज्योमेट्री से क्वेश्चन था। ज्योमेट्री में क्या क्या क्वेश्चन थे? एक कोन है, उसकी रेडियस दे रखी है और उसकी हाइट दे रखी है। मतलब मेंसुरेशन से क्वेश्चन था, एक पूछा जा रहा है मेंसुरेशन से क्वेश्चन, लगभग मान बताना था पॉइंट। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी था ज्योमेट्री का, रेडियस दे रखा था सर्कल का 4 सेंटीमीटर, उसमें कितना बड़ा स्क्वायर का एरिया फिट हो सकता है, ये पूछा। ये इसके अपोजिट ये नंबर ऐड करते हुए लाइक 4 अपोजिट 15, फिर रिलेटेड नंबर करना था, कंसीडर करना था। रिलेशन से दो क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन थे रीजनिंग में। दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हां, दो क्वेश्चन उससे वेन डायग्राम से। कैसा था उसका? घुमा के पूछा था उन्होंने, कैसे पूछ रखा था, जैसे रिलेशन दे रखा था प्लस उसके साथ में उनकी काम जो क्या काम बांट रखा वो दिया गया था कैसे। अच्छा, वेन डायग्राम आया था? हाँ, दो क्वेश्चन आए, सफल करके वर्ड्स दे रखे हैं, लंदन, पेरिस और फ्रांस, ये तीन दे रखा था इसको वेन डायग्राम में अरेंज करने के लिए बोला, तीनों कंट्रीज को एक वेन डायग्राम में अरेंज करना था। लंदन, पेरिस और फ्रांस, इन तीनों की वेन डायग्राम क्या? यूनिवर्स, अर्थ और अर्थ लाइन, ये इसका वेन। करंट अफेयर कब तक की पूछी जा रही है? बैंक थ्योरी पूछी थी कि भाई इससे क्या, बिग बैंग थ्योरी के बारे में क्वेश्चन थे। बिग बैंग थ्योरी के बारे में, बिग बैंग थ्योरी, करंट अफेयर कब की पूछी जा रही है? 20 की पूछी है, 20 की, 2020 की। अच्छा, 19 की, 18 19 से ही है करंट अफेयर। जीके पे ज्यादा ध्यान दे, बाकी मैथ और रीजनिंग बिल्कुल बेसिक आ रहा है। मैथ तो उनके ऐसा बताया जो मैथ में अच्छे से कर रहे हैं, कोई टॉपिक जो ज्यादा पूछ रहे हो? जो ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है हर क्वेश्चन है, तीन चार क्वेश्चन आ रहे हैं ट्रिगो से। ये था जैसा कि स्टूडेंटों ने बताया कि इस एग्जाम का लेवल इजी टू मॉडरेट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।